आखिर वो डिवाइन पावर से कनेक्शन का एहसास, वो फीलिंग कैसी होती है? यू नो, ये एहसास ऐसा होता है कि जैसे जैसे आप सोचने लगते हो वैसे वैसे द फोर्सेस ऑफ द होल वर्ल्ड, अगर आपने सोचा कि ये मुझे करना है और आपको समझ में आता है कि सब के सब वातावरण जो है आपके लिए बहुत कंडिव्सिव होने लगता है और फिर आपको लगता है कि देखो ये बहुत सारी चीजें जो है वो मैंने प्रयत्न नहीं किया बट हो रही है। ओम इज अ आद्य अक्षर ऑफ द होल यूनिवर्स, जिसको नाद ब्रह्म कहते हैं। तो जो ब्रह्म का नाद है, द फर्स्ट यूनिवर्सल साउंड ऑफ द होल कॉस्मोस। मेरे मन को मैं पॉजिटिव नहीं बनाऊं तो कौन बनाएगा? यानी बात तो मुझ पे आ गई। तो वेदांत यही कहते हैं कि यू कैन डू इट, यू मस्ट डू इट। फल पे किसी भी व्यक्ति का अधिकार है नहीं। इसको ध्यान देना, इसको मैं थोड़ा और समझाऊंगा। तो अगर फल पे हमारा अधिकार नहीं है और कर्म में पूरा अधिकार है, तो हमारा ध्यान फल पे चाहिए कि कर्म पे चाहिए? कर्म पे चाहिए। यस, सो इजी। इसका मतलब जो व्यक्ति पूर्ण अपना ध्यान कर्म पे रखता है और फल की इच्छा को पूरी तरह से बाजू करता है और अपना बेस्ट देता है, उसका माइंड नेगेटिव होता ही नहीं। जब भी हम शुरुआत करते हैं ना, विच इज कॉल्ड एज अ बिगिनिंग ऑफ द स्पिरिचुअल लाइफ, तो जस्ट इमेजिन कि जब आप सेवा भी कर रहे हो बट आपके साथ लोग कौन है? वो तो सारे सन्यासी नहीं है, वो तो सारे कॉमन लोग है। अभी वो कॉमन लोगों में भी ईर्ष्याएं होती है कि स्वामी जी किसको साथ में लेके चल रहे हैं, स्वामी जी किसको ज्यादा महत्व दे रहे हैं। तो इस चीज को बैलेंस करना बड़ा मुश्किल, उनको समझाना कि कौन से तत्व से इसको करना है, इट टेक्स इट्स ओन टाइम। तो देखिए, यस, ये हमारे साथ भी होता है, हुआ है, बट इन टाइम ये ठीक भी होता है। जब वेद थे तो उपनिषद की जरूरत क्यों पड़ी? वेदांत आखिर क्या है और इसका ज्ञान वर्तमान में क्यों जरूरी है? आध्यात्मिक होना क्या होता है? आज इन्हीं सब सवालों के जवाब ढूंढेंगे हम कनेक्ट विद अंतःकरण के 7वें एपिसोड में। नमस्कार इंडिया, मैं हूं लागू स्वामी और आप देख रहे हैं हमारा खास शो कनेक्ट विद अंतःकरण। आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ने वाले हैं। मैं स्वागत करना चाहूंगी स्वामी प्रकाशानंद जी का। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है। आध्यात्मिक गुरु हैं, साथ ही चिन्मय मिशन दिल्ली के प्रमुख हैं और वेदांत पे ना बहुत ज़बरदस्त पकड़ रखते हैं। तो आज जो वेदांत से जुड़ी हुई आपकी क्वेरीज हैं, उन सब के बारे में हम सवाल करेंगे स्वामी जी से। सबसे पहले स्वामी जी, अगर मैं आपसे कहूँ कि एक लाइन में, बहुत शॉर्ट में, हमारे दर्शकों को आप बताएं कि आखिर आध्यात्मिक होना वाकई में क्या है, तो आप क्या कहेंगे? हरिओम। अगर एक लाइन में कहा जाए तो ऐसा सोच सकते हैं और ऐसा हम बता सकते हैं, कनेक्ट टू द हायर एंड गेट कंप्लीटली डिटैच्ड विद द लोअर, एंड दैट्स कॉल्ड एज स्पिरिचुअलिटी। बिल्कुल बिल्कुल। स्वामी जी, आपकी अगर हम जर्नी देखें, आध्यात्मिक जर्नी देखें, तो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगी कि कब आपने शुरुआत की और क्या क्या चैलेंजेस आए? बिकॉज देखिए, चैलेंजेस ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखते हैं क्योंकि आप उन चैलेंजेस को पार करके आगे बढ़ते हैं। तो हमारे दर्शकों के साथ थोड़ा सा शेयर करिए कि क्या क्या परेशानियाँ आईं, आपने इस जर्नी के दौरान कैसे अप्स एंड डाउन्स देखे और क्या आपका पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा है अभी तक? बहुत अच्छा सवाल पूछा है। जब आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है तो वो शुरू ही होती है कि मन में एक प्रश्न आता है कि इस जीवन की सच्चाई क्या है। क्योंकि ये प्रश्न तभी आ सकता है जब आपका जीवन काफी हद तक पूरी तरह से सेट हो। मे बी आई डू नॉट नो अबाउट एवरी वन बट इट वॉज ए केस इन मी, दिस वॉज अ केस फॉर मी, कि जब एवरीथिंग वॉज एब्सोल्युटली सेट एंड देयर वॉज नो सॉर्ट ऑफ डिफिकल्टीज इन लाइफ एट ऑल। तो ऐसे इस
स्तर पर फिर आप सोचते हो कि अरे जीवन का पर्पस क्या है, ये एक सवाल आता है। और वो सवाल मुझे लगता है कि जब सब जीवन सेट है तो ये सवाल आना बहुत सहज है। ऐसा मेरी जिंदगी में मैंने अनुभव किया है। हर एक व्यक्ति का अनुभव अलग हो सकता है। किसी को बहुत तकलीफ के बाद ये सवाल आ सकता है, किसी को बहुत ज्यादा दुख के बाद ये सवाल आ सकता है, वगैरह वगैरह। बट ऐसा मेरे साथ कुछ हुआ नहीं। एंड जब मैंने ये फैसला किया कि मुझे अभी शिफ्ट करना है फ्रॉम द नॉर्मल डे टू डे लाइफ टू कंप्लीटली स्पिरिचुअल लाइफ, तब माइंड वॉज आस्किंग मी दिस क्वेश्चन कि आर यू एबल टू डू इट। सो दिस वॉज अ वेरी बिग चैलेंज, क्योंकि अपने ही मन के सवाल को जब तक आप पूरी तरह से आंसर ना कर दें तब तक आप अगली स्टेप नहीं ले सकते। तो यहां मैंने कम से कम 2 साल लिए होंगे अपने मन के इस सवाल को आंसर करने के लिए। और जब ये सवाल मेरे मन के अंदर से, जिसको बोलते हैं इनर वॉइस, तो अंदर से जब आवाज आ गई कि यस यू कैन, तब मैंने डिसीजन लिया एंड देन आई जॉइंड वेदांत कोर्स इन सांदीपनि साधनालय मुंबई। चिन्मय मिशन कंडक्ट दिस कोर्स जो 2 साल का होता है और जिसमें संपूर्ण डिफरेंट डिफरेंट स्क्रिप्चर्स पढ़ाए जाते हैं। स्वामी जी, आपके इस बात के बाद, आपकी पूरी जर्नी अभी तक शॉर्ट में सुनने के बाद, एक सवाल मेरे मन में आया कि क्या अध्यात्म, क्या जो ये सारी टीचिंग्स होती हैं, क्या ये एक विशेष वर्ग के लिए है? क्योंकि अगर ज़िंदगी में बहुत कठिनाइयां हैं तो आप तो कभी सोच ही नहीं पाएंगे अपने बारे में कि अरे मेरे लाइफ का पर्पस क्या है। इंसान तो फिर यही सोचेगा कि 2 वक्त की रोटी कमाना सबसे बड़ा पर्पस है, बच्चों को रोटी मिल जाए, स्कूल चले जाए, घर में एक छत हो, ये सबसे बड़ा लाइफ का पर्पस है। तो जैसे एक व्यक्ति अपने छोटी छोटी इच्छाओं के ही तले दबा हुआ है तो उसके जीवन में, उसके मन में बहुत बड़े यानी बहुत सूक्ष्म प्रश्न आ ही नहीं सकते हैं। और ये बहुत सामान्य बात है। जैसे मैं अगर आपको कहूं कि एक छोटा बच्चा है, उस छोटे बच्चे के मन में ये नहीं आएगा कि मेरे जीवन में जीवन का पर्पस क्या है। तो ऐसे ही हम कहेंगे कि व्यक्ति शरीर से तो बड़े हो जाते हैं लेकिन मन उनका वो छोटा ही रहता है। यानी छोटा मन यानी उनकी विचार सरणी उतनी तक रहती है, मैं और मेरा जीवन। तो जब तक आप इसके परे थोड़ा नहीं सोच सकते हैं तब तक ऐसा लगता है कि आध्यात्मिक जो जीवन की शुरुआत है वो होना मेरे हिसाब से थोड़ा मुश्किल सा लगता है। अच्छा स्वामी जी, जो ये जो नाम है आपका स्वामी प्रकर्षानंद, तो क्या बचपन से यही नाम आपका था या जब आप इन आध्यात्मिक टीचिंग्स में आए और उनके ज़रिए आप चिन्मय मिशन से जुड़े और उसके बाद आज आप दिल्ली को लीड कर रहे हैं, तो क्या उसके बाद ये मतलब नाम बदलने की प्रक्रिया क्या है या आपका शुरुआत से नाम ये था? अच्छा, ये भी एक अच्छा सवाल है और दर्शकों को शायद बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो जब हम वेदांत कोर्स में प्रवेश करते हैं तब जो पहले से हमारा नाम चला आता है, जो माता पिता ने दिया है, तो उसी नाम से हम पढ़ाई करते, वेदांत की पढ़ाई पूरी होती है। और अगर फिर जो भी व्यक्ति पढ़ रहा है वेदांत की इस कक्षा में और उसने अगर निर्णय ले लिया कि अभी मुझे पूरा जीवन इस अध्यात्म मार्ग में ही समर्पित करना है, तो उसकी पहली दीक्षा होती है जिसको कहते हैं विविधिष संन्यास। तो तब सफेद कपड़ों से जब हम पढ़ते हैं तो सफेद कपड़े रहते हैं, सफेद कुर्ता, सफेद धोती, तो सफेद से रंग बदलता है येलो में,
तो ये है पहली दीक्षा, तब आपका पहला नाम बदलता है, पहला नाम, यस, तब नाम बदल जाता है, तब हमारे गुरु हमको नाम देते हैं। सो ब्रह्मचारी प्रहलाद चैतन्य वॉज माई न्यू नेम दैट टाइम। फिर कई साल जब हम साधना करते हैं तब हमारे गुरु हमको संन्यास देते हैं, तब फिर से नाम बदलता है, फिर नाम हुआ स्वामी प्रकर्षानंद, एंड दिस इज अ फाइनल स्टेज। और फिर कलर बदलता है येलो टू ऑरेंज। अब ये ऑरेंज इज देयर टिल दिस बॉडी इज देयर। जी जी, आप उस परम सत्ता की बात कर रहे थे, उस डिवाइन पावर की बात कर रहे थे जिसकी हम तलाश में रहते हैं, तो क्या ये मुमकिन है कि कोई व्यक्ति, कोई ह्यूमन बीइंग एक पर्सनल रिलेशनशिप बना ले उस डिवाइन के साथ? और अगर ये मुमकिन है तो कैसे संभव है ये? हाँ, ये बहुत सुंदर सवाल पूछा आपने कि एक पर्सनल रिलेशन कैसे बनाए। पहले तो हमको ये ध्यान में आना चाहिए कि ये सभी के जीवन में अनुभव है कि कहीं ना कहीं जब हम जीवन में कार्य करते हैं तो हमको ये अनुभव होता है कि आई हैव अ लिमिटेड एनर्जी, आई हैव अ लिमिटेड पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल एज सोर्सेस। तो फिर अगर किसी के मन में ये आया, जैसे मैं उदाहरण देता हूं कि यहां इलेक्ट्रिसिटी है, ये सब इतने सुंदर स्टूडियो में सब चल रहा है बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। नाउ कैन यू जस्ट थिंक दैट इलेक्ट्रिसिटी यहां जो है वो तो लिमिटेड है, बट ये कहीं तो अनलिमिटेड सोर्स से आ रही है, हाँ या ना? तो सिमिलरली जब हमको ये समझ में आता है कि हमारे हर लिमिटेड सोर्स का एक अनलिमिटेड सोर्स इस पूरे यूनिवर्स में है, तब व्यक्ति उस सोर्स से जुड़ने का प्रयत्न करता है। ऐसी मेरी मान्यता है कि जब तक ये समझ में नहीं आता तब तक तो व्यक्ति सोचता है कि बस मैं ही हूं और सब मैं ही कर रहा हूं। लेकिन कुछ ऐसे जीवन में अनुभव होते होंगे, ऐसे उसकी खुद की इंट्यूशन होगी और ऐसा उसको शायद सत्संग से या गुरु से मैसेज मिलता है कि तब कि यस, उसकी ये ज्ञान चक्षु का जो एक एक एस्पेक्ट होता है वो खुलता है और तब उसको समझ में आता है कि हाँ, जो मेरे पास लिमिटेड है उसका अनलिमिटेड सोर्स इस पूरे यूनिवर्स में है और मैं अगर उससे जुड़ जाऊं तो बहुत फर्क पड़ने वाला है। और फिर धीरे धीरे जब वो जुड़ते लगता है और वो फर्क अपने आप में अनुभव करता है, तब उसके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आता है, वह है श्रद्धा उस यूनिवर्सल पावर की। जो अनुभूति है जब उसके ग्लिम्स भी उसको मिलते हैं, तो फेथ इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इन द लाइफ ऑफ अ पर्सन। तो ये ग्लिम्सेस कैसे होते हैं? मतलब क्या कुछ आप एनर्जी फील करते हैं या कुछ ऐसे जो फिल्मों में दिखाते हैं कि भाई कोई डिवाइन पावर ऐसे निकल रही है और आपने देखा और आपको लगा रहे ये तो मतलब मैं एकदम कनेक्ट हो गया? मतलब मैं बहुत प्लेन लैंग्वेज में पूछ रही हूँ क्योंकि हमारे दर्शक बहुत जानना चाहते हैं कि आखिर वो डिवाइन पावर से कनेक्शन का एहसास, वो फीलिंग कैसी होती है? वेरी गुड क्वेश्चन। ये एहसास ऐसा होता है कि जैसे जैसे आप सोचने लगते हो वैसे वैसे द फोर्सेस ऑफ द होल वर्ल्ड, जैसे अगर आपने सोचा कि ये मुझे करना है और आपको समझ में आता है कि सब के सब वातावरण जो है आपके लिए बहुत कंड्यूसिव होने लगता है और फिर आपको लगता है कि देखो ये बहुत सारी चीजें जो है वो मैंने प्रयत्न नहीं किया बट हो रही है। तो ये जो है, ये जो फीलिंग है, ये अगर उस व्यक्ति के जीवन में आ जाए, और आती ही मैं तो कहता हूं क्योंकि ये अनुभव सभी स्पिरिचुअल सीकर्स का होता है कि जब वो धीरे धीरे उस परमात्मा की तरफ बढ़ता है या वो उस यूनिवर्सल ट्रुथ की तरफ बढ़ता है तो उसको अनुभव आना ये बहुत ही सहज है और ये परम सत्य है मैं तो कहूँगा।
स्वामी जी, आपको क्या लगता है कि लाइफ में जो कुछ भी घटित हो रहा है वो सब कुछ किसी पर्पस से हो रहा है, उसके पीछे कोई वजह है, या कुछ चीज़ें रैंडम है, या पूरी लाइफ ही रैंडम है? या ये आपके क्वेश्चन बड़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए कि हमको ये ध्यान में रहना है या हमने ये सोचना है कि अगर सब कुछ रैंडम है, मैं एक उदाहरण दूंगा कि आप देखिए, आप सुबह निकलती है घर से और आप देखते हैं कि ट्रैफिक जो है वो ठीक चल रही है, और उसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न है क्योंकि ट्रैफिक पुलिस काम कर रहे हैं, उसके बाद में जो लाइट्स हैं, सिग्नल्स हैं, वो काम कर रहे हैं, और बाकी सारे जो भी लोग हैं उनको ये ट्रैफिक रूल्स पता है, एंड दे आर ऑल्सो फॉलोइंग द रूल्स, एंड देयर फोर देर इज अ वेरी ग्रेट हार्मोनी इन द ट्रैफिक। ठीक है, अभी देखो इसमें कितने सारे रूल्स इन्वॉल्व हैं, और ये रैंडम अगर इसको कर दो, आप सिग्नल्स को हटा दो, क्योस मच जाएगा, रूल्स को हटा दो, तो सारा क्योस हो जाएगा। वैसे ही जिंदगी है कि जिंदगी में, इस पूरे सुंदर विश्व में, उस परमात्मा ने, आप उसको कोई भी नाम दो, यूनिवर्सल ट्रुथ, भगवान, उसकी वजह से बहुत सुंदर ऐसे प्रिंसिपल्स, रूल्स यहां है। एक मैं उदाहरण दे दूं, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण शक्ति। कुछ भी आप इस धरती पर ऊपर फेंक दो, वो नीचे आती है। अभी देखो इसमें कभी भी कोई रैंडम ऐसा प्रश्न चिन्ह उठता ही नहीं है। वैसे ही मैं कहूंगा कि इस जीवन में, उस पूरे कॉस्मोस में एक रिदम है, और वो रिदम इज मेंटेन बाय द यूनिवर्सल प्रिंसिपल लॉज ऑफ द नेचर, एंड देयरफॉर इट इज फैंटास्टिकली अ ग्रेट अंडरस्टैंडिंग और अ ट्रुथ दैट देयर इज नथिंग कॉल्ड एज रैंडमनेस। उसमें कोई रैंडम ऐसी बात है नहीं, इट इज ऑल वेल प्रोग्राम्ड। वेदांत, आपका बिल्कुल मेन मुझे लगता है कि सब्जेक्ट रहा है, आपने पढ़ाई भी करी है वेदांत में, तो वेदांत के बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगी कि वेद आए, उपनिषद आए, उसके बाद जो उपनिषदों का निचोड़ है वो वेदांत आई थिंक कहलाता है। अच्छा, तो ये भी एक टेक्निकल प्रश्न है और बहुत अच्छा है, शायद दर्शकों के लिए बहुत अच्छी जानकारी होगी। देखिए कि वेद में तीन इम्पॉर्टेंट ऐसे पोर्शन है, एक है उसको बोलते हैं मंत्र पोर्शन, मंत्र विभाग कह सकते हैं, दूसरा है ब्राह्मण, और तीसरा है आरण्यक। ठीक है, तो जनरली ये कहा गया है और ये काफी हद तक सत्य भी है, उपनिषद आरण्यक में आते हैं। अच्छा। उपनिषद जिसको ब्रह्म विद्या कहते हैं, और जो ये ज्ञान है, ये ज्ञान सेल्फ नॉलेज है जो उपनिषदों में है। ठीक है, और फिर इसको वेदांत क्यों कहा गया, तो कई बार ऐसा भी सोचा गया है और कई आचार्य ऐसा भी उसको एक्सप्लेन करते हैं कि वेदस्य अंतः इति वेदांत, कि वेदों के अंत में ये उपनिषद का पोर्शन आया है, और उसमें ये बहुत इम्पॉर्टेंट ब्रह्म विद्या का पोर्शन है, और ये जो है ये वेदों के अंत में आया हुआ है, इसलिए इसको वेदांत कहते हैं। पर शंकराचार्य जी भगवान, आदि शंकराचार्य जी भगवान ने उनके भाष्य में एक्सप्लेन किया है कि ये अंत शब्द जो है इसका जो मीनिंग है वो इस तरह से भी है, निर्णय और निश्चय, दैट मींस डिक्लेरेशन, यू कैन अंडरस्टैंड एज। तो उपनिषद ये जो पार्ट है ये मंत्र पोर्शन में भी आता है, ब्राह्मण पोर्शन में भी आता है, और आरण्यक पोर्शन में भी आता है, इसलिए ये वेदांत, वेदों के आखिरी में जो पोर्शन आता है उसी को वेदांत कहते हैं, ये संपूर्णतः सत्य नहीं होगा।
ध्यान में आ गया? क्यों? क्योंकि उपनिषद में जो ब्रह्म विद्या है वो हर पोर्शन में आ रही है, इसलिए आपको और हमको ये ध्यान में अगर रखना है या रखना चाहिए कि जहां जहां उपनिषद है वहां वेदांत है, यानी डिक्लेरेशन ऑफ वेदांत दैट दिस इज द सुप्रीम ट्रुथ। एंड अगर हम वेदों को देखें तो वहाँ कर्म कांड भी बताए गए हैं, मंत्रोच्चारण, इंद्र को प्रसन्न कर लो और इस भगवान के लिए ये कर लो। लेकिन अभी का जो हम सोसाइटी देखते हैं, जो समाज चला आ रहा है स्वामी जी, हम ज़्यादा फोकस वेदों पे करते हैं, हम वेदांत पे उतना फोकस नहीं करते हैं। बिकॉज लोग जनरली उसको अगर आम लोगों को देख ले तो वो एक फ़िलोसफी मान लेते हैं कि वेदांत एक फ़िलोसफी है, और जो हम ज़्यादातर कल्चर देखें वो वेदों को फोकस करते हैं। वो क्या रीज़न है, ये गैप क्यों आया? अच्छा, बहुत सुंदर और टेक्निकल प्रश्न पूछा है आपने और आई जस्ट लाइक इट। सी, वेदों में दो प्रकार के एक्सप्लेनेशंस हैं। एक है दैट इज कॉल्ड एज धर्म पोर्शन, और एक है विच इज कॉल्ड एज ब्रह्म पोर्शन, यानी ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान। धर्म क्या चीज है, पहले उनको ध्यान में आना चाहिए। धर्म कोई भी धर्म क्यों ना हो, उसकी बेसिस है डू एंड डोंट, यानी ये करो और ये मत करो, पहले ही बता दिया गया। हाँ, क्यों? क्योंकि जैसे एक कॉन्स्टिट्यूशन होती है कोई भी कंट्री की, तो कॉन्स्टिट्यूशन में बताया जाता है कि ये करना ठीक है और ये करना ठीक नहीं है, और जो व्यक्ति जो नहीं करना है वो करता है तो उसको पनिशमेंट होती है। इट इज अ लॉ, यस और नो? देखिए, वैसे ही इस पूरे यूनिवर्स में ये धर्म जो है ये बहुत ही सटल ऐसी एक बात है, सटल यानी सूक्ष्म। तो जैसे आपको हम बताएं कि आप कहेंगे कि दिन और रात हो रही है, उस दिन और रात के होने में कोई ह्यूमन बीइंग का कोई हाथ है? प्रकृति है। देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब है कि इस पूरे यूनिवर्स को somebody is very correctly controlling and managing, है या ना? तो ये जो धर्म पोर्शन है ये वेदों में, अब पहले वेद पहले ध्यान देना, कई लोगों को यही पता नहीं है वेद क्या चीज है। तो जब अनेक ऋषि मुनि अपने इस अत्यंत शुद्ध सत्व में, यानी प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ माइंड एंड इंटेलेक्ट, ऐसी अवस्था में थी, तो उन्होंने ये जो ज्ञान है वेदों का, ये उन्होंने अपने आप से सुना, और इसलिए वेदों को अपौरुषेय भी कहते हैं। अपौरुषेय यानी ये किसी ने लिखा नहीं है, ये इट इज अ रिवील्ड नॉलेज, इसलिए उसको कहते हैं श्रुति ग्रंथ, यानी हाँ, दैट नॉलेज विच इज डायरेक्टली हर्ड। और आपको ये भी शायद पता होगा कि ओम इज अ आद्य अक्षर ऑफ द होल यूनिवर्स, जिसको नाद ब्रह्म कहते हैं। तो जो ब्रह्म का नाद है, द फर्स्ट यूनिवर्सल साउंड ऑफ द होल कॉस्मस। तो ये जो ज्ञान है, और इस ज्ञान में जो धर्म पोर्शन है, ये धर्म पोर्शन आपको हम बता दें ये सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स के लिए है। अच्छा, क्यों? क्योंकि आप देखो, सारी कायनात जिसको निसर्ग कहते हैं, इसको प्रकृति कहते हैं, इट इज कंट्रोलिंग ऑल अदर क्रीचर्स ऑफ द यूनिवर्स। जैसे पंछी रात को सोते हैं, सुबह उठते हैं, उनको हमारे और आपके जैसे अलार्म की जरूरी नहीं है। उनका सारा जीवन प्रकृति के अधीन होता है। बट ह्यूमन बींग्स आर सच, बिकॉज ऑफ दिस वेरी डेवलप्ड इंटेलेक्ट, वो इस प्रकृति को काफी हद तक आगे, मीन्स प्रकृति के परे जा सकता है। और इसलिए आप देखना, हाथी एक इतना ताकतवर जानवर है, कोई भी मनुष्य के कंपैरिजन में अगर हाथी की ताकत देखो तो वो कई गुना ज्यादा है। बट हाथी को मारने के लिए
एक मनुष्य को कितना समय लग सकता है? एक गन ली और दो गोली मार दी, हाथी खत्म। वही वाली कहावत है ना, अकल बड़ी बड़ी या भैंस। हाँ जी, तो इसका मतलब ये हुआ कि मनुष्य ये जो प्राणी है ये पूरे इस नेचर का क्राउन ऑफ द क्रिएशन जिसको कहते हैं, और इसके वजह से ये मनुष्य में दोनों चीजें पॉसिबल है। इट कैन लिफ्ट इटसेल्फ और हिमसेल्फ रादर, अगर मैं एक मनुष्य की बात करूं तो दैट पर्सन कैन लिफ्ट वन सेल्फ टू दैट डिविनिटी वेयर ही इज वन विथ दैट यूनिवर्सल ट्रुथ। और दूसरी तरफ ये भी पॉसिबल है कि यही मनुष्य इतना गिर सकता है, और दिल्ली वालों को बतानी की तो जरूरी नहीं है निर्भय कांड के बाद कि कितना गिर सकता है। बिल्कुल। तो इसके लिए आप ये सोच सकते हैं कि हर मनुष्य के लिए व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो ये धर्म पोर्शन है वेदों का, जिसकी वजह से व्यक्ति को पता चलता है कि अगर मुझे कुछ पाना है जीवन में तो धर्म को साथ लेकर के, यानी कर्म कांड पोर्शन ऑफ द वेदास, व्हेन यू डू अ राइट रिचुअल्स, कर्म करते हो तब आपकी इच्छाएं पूर्ण होती है और उसमें पाप नहीं होता है क्योंकि आप धर्म से कर रहे हो। वेदांत पर ही आते हैं स्वामी जी, वेदांत की फिलॉसफी क्यों आज के जो एनवायरनमेंट है, जो आज का दौर है, उसमें क्यों जरूरी है? हम सब लोग एक्चुअली जी रहे हैं वेदांत, पर हमको पता नहीं कैसे। इसमें भी कुछ ये अद्वैत द्वैत वाला ही है। पहले ये बता दूं कि वेदांत जी कैसे रहे। वेदांत कहता है कि यू दैट, एक भगवद गीता का मैं यहां श्लोक कहना चाहूंगा, उद्धरेतात्मनात्मानं न आत्मानं अवसाधयेत्, आत्मैव ह्यात्मना बन्धुः, आत्मैव रिपुरात्मनः। यहां कहा गया है कि आपके मन को आपको ही पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, और अगर आपने ये नहीं बनाया तो वो अपने आप से निगेटिव बनने वाला है, और समझो ये निगेटिव बन गया तो ये आपका वर्स्ट एनिमी होगा, और अगर स्व प्रयत्न से आपने इसे कंप्लीटली सकारात्मक यानी पॉजिटिव बना दिया तो आपका बेस्ट फ्रेंड होगा। अभी देखिए कि कितना सहज है कि मेरे मन को मैं पॉजिटिव नहीं बनाऊं तो कौन बनाएगा, यानी बात तो मुझ पे आ गई। तो वेदांत यही कहते हैं कि यू कैन डू इट, यू मस्ट डू इट। ध्यान में आ गई बात? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। द्वैत अद्वैत वाला क्या फिलॉसफी है? अच्छा, तो देखिए द्वैत और अद्वैत, अद्वैत पहले मैं बता दूं कि जब एब्सोल्यूट स्टैंड पॉइंट होता है, यानी परमार्थक दृष्टि, पारमार्थिक सत्ता, जिसमें देयर इज वन एंड वन विदाउट द सेकेंड, विच इज कॉल्ड एज, यस नो ड्यूअलिटी, विच इज कॉल्ड एज दैट परमात्मा, दैट सुप्रीम ट्रुथ विच इज वन विदाउट द सेकेंड। एंड इन अद्वैत दिस होल यूनिवर्स is an appearance and it is not a reality. Why it is not a reality? Somebody can ask this question, ki ye reality kaise nahi? To Vedant mein unreal yani jo continuous badalte jata hai, jo hai but us cheez ka apna कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है नहीं, ऐसी जो चीज है उसको वेदांत में अनरियल कहते हैं। मैं एक उदाहरण दे दूं, ये शरीर मन बुद्धि कार्य तो कर रही है, लेकिन जब इसमें एक सिचुएशन आ जाती है कॉल्ड एज डेथ, फिर ये शरीर कार्य नहीं करता,
इसका मतलब है कि शरीर के कार्य करने के पीछे कोई एक ऐसी चीज है कि जो उसको कार्य करने के लिए मदद कर रही है। हाँ या ना? विज्ञान की भाषा में तो इसको सेल्स बोलते हैं कि आपके सेल्स जब तक जिंदा हैं तब तक आपकी बॉडी जिंदा है, काम कर रही है। हाँ, अभी देखो कि विज्ञान एक ऐसी चीज है जो सारे ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ाई करती है। आप सोच के देखो, जैसे फिजिक्स, इट्स अ स्टडी ऑफ मैटर, यस और नो? यस यस बिल्कुल। अभी केमिस्ट्री इज अ स्टडी ऑफ एलिमेंट्स, बायोलॉजी एंड जूलॉजी, सो एंड सो फोर्थ। तो ये क्या हो रहा है, ये सब के सब इस दुनिया के ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं। सारा का सारा विज्ञान, साइंस जिसको कहते हैं। और ये जो है, ये ऑल, ये जो डिफरेंट डिसिप्लिन्स हैं, इसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव नॉलेज, बिकॉज ये ऑब्जेक्ट के बारे में सारी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन सबको दे रहे हैं। ठीक है, अभी एक है, वह है सब्जेक्टिव नॉलेज, विच इज द नॉलेज ऑफ दैट सुप्रीम ट्रुथ विच इज बियॉन्ड ऑल द ऑब्जेक्ट्स। सो देयरफोर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट एवरी ऑब्जेक्ट इज डिपेंड ऑन, और इट्स एग्जिस्टेंस डिपेंड्स ऑन दैट यूनिवर्सल ट्रुथ विच इज द सपोर्ट ऑफ एवरीथिंग इन यूनिवर्स। तो इसके लिए सारे जो भी पदार्थ है उसको वेदांत में अनरियल कहा गया है। पर द्वैत के दृष्टि से ये देखते हैं कि भगवान जो यूनिवर्सल ट्रूथ है वो एक परम सत्ता है, और उसी के साथ पैरेलल ये प्रकृति की सत्ता है वो भी रियल है। पर ये प्रकृति की जो सत्ता है ये पूरी की पूरी भगवान पर डिपेंड करती है, और भगवान संपूर्णतः इसको चलाते हैं, और जो भगवान के समर्पित भाव में रहता है उसका जीवन एब्सोल्युटली फाइन चलता है। तो इसमें क्या हो गया कि एक व्यक्ति अलग है और भगवान अलग है। वेदांत में कहते हैं कि जो ये शरीर को चला रहा है, शरीर तो एक उस परम परमात्मा का उपकरण है, इंस्ट्रूमेंट है, कि जो इस शरीर के माध्यम से ये सारे कर्म करा रहा है। और ये शरीर तो नाशवान है, लेकिन जो उसको चला रहा है वो तो अविनाशी है। आपकी एक वर्कशॉप की बात कर लेते हैं। आपने एक वर्कशॉप की थी, ड्यूटी इज वर्कशिप, जो आपने डासना जेल के ऑफिशियल्स के साथ की थी, जिसमें बताया गया था कि कैसे आप ऐसे एटमॉस्फेयर में रहते हैं। देखिए, ड्यूटी तो ड्यूटी है, वो आपको करनी है, लेकिन जेल का माहौल थोड़ा अलग होता है, बाहर की वो जो नौकरी है उससे बहुत अलग एक माहौल होता है। तो क्या उस वर्कशॉप में था, और कैसे आपने उस चीज़ को मैनेज किया, और ऑफिशियल्स को आपने क्या क्या सिखाया, थोड़ा सा वो अगर आप शेयर करें। जी, इन ब्रीफ आई कैन टेल यू, संक्षेप में हम उस पर चर्चा कर सकते हैं। देखिए कि जब मैं वहाँ गया और माहौल देखा, तो नो डाउट कि एक अलग सा माहौल रहता है, और निगेटिविटी वहाँ बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होती है, बिकॉज जो इनमेट्स होते हैं, यानी जो कैदी होते हैं, उनकी सारी विचार सरणी जो है, जो विचार करने का उसका तरीका है उनका, वो सब के सब नकारात्मक होता है। एक तो क्या है कि वो अपने मर्जी से वहां नहीं है, ठीक है, पहली बात, उनको वहां उनके मर्जी के खिलाफ वहां है रखा है। भला उसने क्या किया है उसको आप छोड़ दो, बट मर्जी के खिलाफ, यानी जब आपके मर्जी के खिलाफ कुछ होता है तो आपका मन नकारात्मक वैसे ही बन जाता है। और ऐसे इतने सारे लोग अगर इकट्ठा हो गए तो क्या बात, आप सोच सकते हो, सारी नेगेटिव तो सारा नेगेटिव जोन बन जाता है। अच्छा, तो ऐसा अगर वहां कोई बड़ा ऑफिसर भी चला जाए और उसको अगर ये टेक्निक पता नहीं हाउ टू
यू नो मेक योर माइंड मोर पॉजिटिव देन दैट नेगेटिविटी, तो फिर डिफिकल्टी आ सकती है। तो इसलिए ये प्रयत्न था। तो हमने उनको कहा कि देखिए, मैंने एक उदाहरण दिया कि अभी हाल ही में, मैं आपको एक उदाहरण अभी चेंज करके बता देता हूँ, हाल ही में हम सब ने ये पैंडेमिक एक्सपीरियंस किया है, कोविड। अभी वो कोविड इज अ वायरस, COVID-19, राइट? एंड दैट वायरस इज एवरीवेयर इन द एयर, हाँ या ना? तो वो तो सभी को इफेक्ट करना चाहिए था, लेकिन मुझे नहीं हुआ, आपको भी शायद नहीं हुआ होगा। फिर ऐसा क्यों? क्योंकि मेरी जो इम्यूनिटी थी वो उस वायरस से कई ज्यादा बड़ी थी, ताकतवर थी। बिल्कुल, ये तो था। हाँ, तो जिसकी जिसकी इम्यून सिस्टम या इम्यून पावर, जिसको रोग प्रतिकारक शक्ति कहते हैं, वो उस ऑर्गेनिज्म से यानी उस वायरस से ज्यादा थी, तो उसको वो अफेक्ट नहीं हुई, वो उसका अफेक्शन इन्फेक्शन नहीं हुआ। जिसकी जिसकी बहुत कमजोर थी वो तो चले ही गए, जिसकी जिसकी काफी ठीक थी उनको इन्फेक्शन हुआ लेकिन वो जल्दी ठीक हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि इफ योर इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग, अगर आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति बहुत अच्छी है, तो आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को इजीली हैंडल कर सकते हो, इन्फेक्शन होगा नहीं। ध्यान में आ गया? वैसे ही अगर आप अपने मन को अगर कंप्लीटली पॉजिटिव कर लो, तो बाहर कितनी भी निगेटिविटी रहने दो, उसका आप पर असर होगा नहीं। और मैं इसका उदाहरण सिंपल देता हूँ। देखिए, हम और आप यहाँ स्टूडियो में बैठे हैं, बाहर का टेम्परेचर शायद बहुत गर्म हो सकता है, लेकिन यहाँ तो बहुत कोजी है। वाई? बिकॉज एसी चल रही है, और एसी के हिसाब से हमने इस वातावरण को कंट्रोल किया। बाहर अगर हम निकले तो पसीने निकलेंगे, यहाँ पसीना है नहीं। इसका मतलब वी हैव कंट्रोल द एटमोसफियर इन दिस रूम। सिमिलरली हम अपने मन का एटमॉस्फेयर कंट्रोल कर सकते हैं, और जिसने इस कला को सीख लिया उसके जीवन के इर्द गिर्द कितनी भी निगेटिविटी आने दो, उसको वो असर नहीं करेगी। तो आपने क्या सिखाया डासमिल झेल के अधिकारियों को? तो कर्मयोग इसका सबसे बड़ा ऐसा सोल्यूशन है, कर्मयोग। देखो, भगवान कहते हैं कर्म में, मीन्स भगवद गीता में, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूः मा ते संगोस्य कर्मणि। अर्थात कर्मणि एव अधिकार अस्ति, हम सब का अधिकार कर्म में पूरी तरह से, यानी हम कोई भी कर्म सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी फील्ड सिलेक्ट कर सकते हैं, एंड वी कैन डू आर बेस्ट इन आर एक्शंस। जो भी हमको करना है हम कर सकते हैं। पर दूसरी बात जो भगवान कह रहे हैं वो ये है, फल पे किसी भी व्यक्ति का अधिकार है नहीं। इसको ध्यान देना, इसको भी थोड़ा और समझाऊंगा। तो अगर फल पे हमारा अधिकार नहीं है और कर्म में पूरा अधिकार है, तो हमारा ध्यान फल पे चाहिए कि कर्म पे चाहिए? कर्म पे चाहिए। यस, सो इजी। इसका मतलब जो व्यक्ति पूर्ण अपना ध्यान कर्म पे रखता है और फल की इच्छा को पूरी तरह से बाजू करता है और अपना बेस्ट देता है, उसका माइंड निगेटिव होता ही नहीं। फोकस चेंज कर लो। फोकस बदल गया। अभी फल के बारे में बताता हूं। देखो, अगर फल किसी मनुष्य के हाथ में होता तो इस पूरे सृष्टि में क्योस ही क्योस होता, क्योंकि मुझे जो फल चाहिए मैं ले लेता, आपको जो चाहिए वो आप ले लेते। आप काम कुछ भी करो, करो या ना करो, या थोड़ा करो और फल इतना लो, यानी ये तो हो नहीं सकता है। इसका मतलब ये अच्छा ही है कि कोई भी मनुष्य के हाथ में उसके कर्म का फल नहीं है, हाँ या ना? बिल्कुल जी। देखिए, तो कर्म का फल आता कैसे है? एज पर योर क्वालिटी ऑफ द एक्शन,
और डिफरेंट फैक्टर्स इन्वॉल्व्ड इन योर एक्शंस। अभी आप ध्यान देना, आप और हम यहां बात कर रहे हैं लेकिन स्टूडियो में यहां कितने लोग हैं और कितने लोग काम कर रहे हैं, दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट इन दिस होल प्रोग्राम, यस और नो? यानी आप और मैं क्रेडिट नहीं ले सकते हैं कि ये प्रोग्राम जो भी अच्छा बना बुरा बना हमारी वजह से बना, टीम वर्क है, सो इट इज अ टीम वर्क। सिमिलरली लेट अस नॉट टेक द क्रेडिट ऑफ एनीथिंग बिकॉज ऑलवेज इट्स अ टीम वर्क, एंड इफ समबडी कैन अंडरस्टैंड दिस कि मैं छोड़ करके अगर हमको अपना ले तो निगेटिव तो भाग ही जाएगी। या ये है तत्व एक। दूसरा तत्व है कि जो रिजल्ट आता है उसको हमने प्रसाद के स्तर पर अपनाना है। प्रसाद यानी क्या है? तो प्रसाद यानी जब पूजा होती है और अगर आपको कोई प्रसाद देता है तो आप ये नहीं बोलते मुझे प्रसाद अच्छा नहीं लगता, ये मुझे दूसरा प्रसाद दे दो, जो भी है आप बस उसको ग्रहण करते हो। और कौन से भाव से ग्रहण करते हो? श्रद्धा भाव से। श्रद्धा भाव से। बस ये एक भाव चाहिए कि ये जो मेरे सामने आ रहा है मेरे ही कर्मों का इफेक्ट, ये मेरे पूजा का प्रसाद है, मैं उसको बेहतर बना सकता हूं मेरे बेहतर कर्मों से। लेकिन आज जो है वो मुझे विदाउट एनी क्वेश्चन मार्क एक्सेप्ट करना है और इसको श्रद्धा लगती है, ये भाव भी डेवलप करना है। अगर कोई ये कर ले तो उसका जीवन इतना मजबूत हो जाता है कि उसको कोई भी नकारात्मक भाव नेगेटिविटी छू ही नहीं सकती। और ये प्रयत्न जब हमने किया तो उसका बहुत पॉजिटिव असर वहां दिखा। कर्मों की बात हो रही है तो थोड़ा सा मैं उन कर्मों के बारे में भी जानना चाहती हूँ कि जैसे बहुत सारे लोगों के, हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके एक कॉमन सवाल होता है कि भाई आसपास में बड़े चालाक लोग हैं, चाहे ऑफिस एनवायरनमेंट देख लें, चाहे पर्सनल घर के रिश्तेदार ये नॉल देख लें, तो कैसे हम इन चालाक लोगों से डील कर सकते हैं कि हमारे ऊपर उनका असर तो ना ही पड़े और बल्कि हम बच भी जाएं उनसे, तो क्या कुछ इसका एक तरीका है? मतलब ठीक है, माइंड तो आप अपना कंट्रोल कर सकते हो, बट कई बार स्वामी जी बड़ी खराब सिचुएशन हो जाती है कि आप नहीं निकल पाते हो उस सिचुएशन से। हाँ जी, ये तो सही है कि एटमॉस्फेयर का इफेक्ट होता है, प्रभाव होता है, जैसे जैसे वातावरण है उसका प्रभाव हर मनुष्य पे होता है। तो जैसे एक पहले इसको समझना जरूरी है, आप मंदिर में जाओ तो आपके मन पर अलग प्रभाव होगा, फिर आप स्मशान में जाओ तो अलग ही प्रभाव होगा, ठीक है ना? तो प्रभाव होता है, ये तो सत्य है। अभी हमको ये ध्यान देना है कि जो चालाक लोग होते हैं इसका मतलब क्या है। तो इसको एक इंग्लिश में बहुत सही शब्द से बोला गया, दैट्स कॉल्ड एज वेरी श्रूड। श्रूड, राइट। कि यानी उनको ये पता है कि अपना मतलब कैसे निकाल लेना है, फिर दूसरों की हानि हो तो चलेगा। हाँ, ये जो बात है आप कर रहे शायद, तो ये मोस्ट ऑफ द कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ऐसा माइंडसेट बन गया है कि जनरली के लेट अस डू एनीथिंग एंड अचीव आर टारगेट्स। ये बहुत ही गलत प्रिंसिपल है। इसकी वजह से लोग ऐसे चालाक बन रहे हैं क्योंकि इतने बड़े टारगेट्स दिए जाते हैं और जब उनको वो लगता है कि ये बहुत डिफिकल्ट है तो वो गलत चीजों का इस्तेमाल करते हैं। अभी मुझे ये उदाहरण देने की जरूरत नहीं क्योंकि फिल्मों में और वीडियोस में बहुत लोग ये सब देखते रहते हैं, बट ये सत्य है। हाँ जी, अभी हमको अपने लाइफ के प्रिंसिपल्स को पूरी तरह से पक्का करना है। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ माय लाइफ? इफ यू अंडरस्टैंड दैट आई वांट टू डू एवरीथिंग ऑनेस्टली, लेट द वर्ल्ड बी डूइंग वॉट एवर दे वॉन्ट टू डू, मैं आपको कहता हूं एक दिन सारे के सारे लोग जो भी आपके साथ है, संग है, धीरे धीरे आपसे प्रभावित होकर के आपको तकलीफ देना छोड़ देंगे या वो आपके जैसे बन जाएंगे। ये अनुभव है। आपके साथ कभी हुआ है ऐसा? देखिए जरूर, क्योंकि जब भी हम शुरुआत करते हैं ना, विच इज कॉल्ड एज अ बिगिनिंग ऑफ द स्पिरिचुअल लाइफ,
तो जस्ट इमेजिन कि जब आप सेवा भी कर रहे हो बट आपके साथ लोग कौन है, वो तो सारे सन्यासी नहीं है, वो तो सारे कॉमन लोग है। अभी वो कॉमन लोगों में भी ईर्ष्याएं होती है कि स्वामी जी किसको साथ में लेके चल रहा है स्वामी जी किसको ज्यादा महत्व दे रहा है। राइट राइट। तो इस चीज को बैलेंस करना, उनको समझाना कि कौन से तत्व से इसको करना है, इट टेक्स इट्स ओन टाइम। तो देखिए यस, ये हमारे साथ भी होता है, हुआ है, बट इन टाइम ये ठीक भी होता है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। अगर आखिर में मुझसे कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ रह गई हो जो आप चाहते हो कि स्पीकिंग ट्री के दर्शकों को आपको ज़रूर बतानी चाहिए, तो प्लीज़ आप एक या दो मिनट में हमारे दर्शकों को ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। कि कौन सी चीज़ ज़रूरी है, देखिए जीवन में तीन चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। एक है डिसिप्लिन इज मस्ट टू मेंटेन the best levels of body, mind and intellect। ये पहली चीज, जीवन में नियम होना जरूरी है जिसकी वजह से शरीर, मन और बुद्धि ये बहुत बढ़िया ऐसे स्तर पर मेंटेन कर सकते हैं। एक उदाहरण दे दूं मैं जी जी कि शरीर के स्तर पर अगर हमने कभी भी खाया, कुछ भी खाया, कोई समय का उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, रात को 2 बजे खाया जो लोग करते भी है और कुछ भी खा लेते, जैसे मोस्ट ऑफ द पीपल आर सो मच सो कॉल्ड एज यू नो बाउंड बाय ऑल सॉर्ट ऑफ रॉन्ग हैबिट्स ऑफ ईटिंग, उसकी वजह से इस शरीर में बहुत सारी डिफिकल्टीज आती है। तो अगर हमने अपना फूड डिसिप्लिन कर दिया तो मैं आपको कहता हूं या मैं आपको पूरी तरह से ये प्रॉमिस कर सकता हूं कि मनुष्य के जीवन से 80% डिसीज खत्म हो जाएगी। इट्स अ फैक्ट, बाय डिसिप्लिनिंग योर फूड एंड फूड हैबिट्स। दूसरी बात, विचार हम क्या करते हैं, ये बहुत जरूरी है। और विचार को अच्छा बनाने के लिए सत्संग बहुत जरूरी है। अभी मैं यही नहीं कह रहा हूं कि सत्संग यानी कोई महात्मा के सामने जाके आप बैठो, वो तो एक जरिया है ही, बट बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं, बहुत महान लोगों के लिखे हुए बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं, है या ना। फिर आपको जीवन में यह भी पता चलेगा कि आपके जीवन में भी कोई व्यक्ति होंगे कि जो बहुत पॉजिटिव हो, आप उनके साथ रहो थोड़ी देर, तो आपको पता चलता है कि क्या ये जीवन कैसे जीता है, इसके मन में विचार कैसे होते हैं, ये कैसे कर्म करता है। तो दूसरा पॉइंट मेरा यह है, सत्संग जरूरी है। और तीसरा है, हर एक व्यक्ति जीवन में अपने आप को उस हायर रियलिटी के साथ जोड़ना बहुत जरूरी है, जिसको कहते हैं प्रेयर्स। सिंपल भाषा में ये भी कह सकते हैं सुमिरन। हाँ, तो अगर ये तीन चीजें लोगों ने करी तो मैं कहता हूं कि उनका जीवन तो बस बढ़िया होगा ही और जीवन सफल भी हो जाएगा। पूरा इंटरव्यू का जस्ट आपने ये तीन चीज़ों में ही बता दिया आखिर में, तो मतलब सारे लोगों को आखिर तक ये इंटरव्यू ज़रूर देखना चाहिए, आखिर तक आएंगे तभी आपको वो लास्ट वाला जो ज्ञान है वो मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वाकई आज जो बातें हुई हैं स्पीकिंग ट्री पर अंतःकरण के इस एपिसोड में, वो बहुत नई बातें थी और वेदांत के बारे में जो लोगों के कन्फ्यूजन रहते हैं अक्सर इस फिलॉसफी के बारे में, आपने बहुत बहुत सारा प्रकाश डाला उस पर। तो फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम एंड थैंक यू टू द होल टीम। हरिओम। आज के अंतःकरण में हमारे साथ थे मशहूर आध्यात्मिक गुरु स्वामी प्रकर्षानंद जी। आपसे अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। आप जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।